कम बैक माई चैनल लेटेस्ट न्यूज़। तो लेटेस्ट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली गाइस, जितने भी स्टूडेंट ने यूपी स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म को अप्लाई कर लिया है, तो फाइनली उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अपडेट एंड गाइस बहुत बड़ी खुशखबरी है। एंड जिन छात्रों ने अभी तक अप्लाई नहीं कर सका है, तो उनके लिए कल से पोर्टल ओपन हो जाएगा एंड गाइस आप सब आवेदन कर पाएंगी। तो गाइस यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक न प्रवेश पूरे न परिणाम गुजरी छात्रवृत्ति आवेदन की तिथि। तो गाइस आप सबको पता है कि बहुत से ऐसे छात्र हैं जिन्होंने अभी तक जिनका रिजल्ट भी नहीं आया है, ना ही एडमिशन हुआ है, और छात्रवृत्ति का जो डेट है वो एक्सटेंड हो चुका है। तो यहाँ पे गाइस क्या है कि लिविवी व अन्य विश्वविद्यालय ने जहाँ अभी प्रवेश प्रक्रिया जारी है, वहीं कुछ कोर्सों के सेमेस्टर परिणाम भी आने वाली है। इधर छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 7 नवंबर गुजर गई है। इसे लेकर लिविवी के छात्रों ने ट्वीट पर अभियान छेड़कर आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग की है। लिविवी के छात्र छात्राओं ने कहा कि 2022-23 के लिए छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की तिथि 7 नवंबर निर्धारित की गई थी। तो मतलब कि गाइस यहाँ पर आप देख पाएंगे, और यहाँ पर गाइस देखिए आपकी जो छात्रवृत्ति का डेट यहाँ पे है ना, यहाँ पे आपको साफ साफ बताया भी जा रहा है कि आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर तक विस्तारित करने का अनुरोध करेंगे। तो मतलब भाई इसकी यहाँ पे 30 नवंबर तक आपकी डेट बढ़ाने की बात कही जा रही है। एंड यहाँ पे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कमेंट्स कर रहे हैं कि सर बी ए थर्ड ईयर वालों की लास्ट डेट ख़त्म हो गई है, क्या प्लीज़ सर रिप्लाई। तो गाइस देखिए आपका जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड हो चुका है। अगर आपको रिन्यूअल करना है तो रिन्यूअल के लिए फॉर्म अभी लेकिन ओपन है, आपकी साइट प्रॉपरली वर्क भी कर रही है, तो आप सब अप्लाई कर सकते हो। एंड गाइस यहाँ पे आप क्या है कि यहाँ पे देखिए बढ़नी चाहिए डेट, काफ़ी बच्चों की अभी नहीं हुआ है। तो गाइस ये बच्चों की नहीं हुआ है, लेकिन बच्चे इंटरेस्टेड भी तो नहीं है, ये भी तो प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से गाइस ऐसा हो रहा है। बट गाइस इसलिए हम बात करते हैं यहाँ पे, वेट आप देख पाएंगे ना वेट यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे आपको सर्च करना है boardsexam.com। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि जितने भी छात्र रिन्यूअल कराना है उनकी जो साइट है प्रॉपरली वर्क कर रही है, वो सारे छात्र फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। तो आपको गूगल पर सर्च करना है गाइस boardsexam.com, यहाँ पे boardsexam.com की ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिख जाएगी। आपको इसी पे क्लिक करना है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो आप सब साइट के अंदर आ जाओगे। यहाँ पे आने के बाद आपको डेस्कटॉप साइट में ऑन करना होगा। इसके बाद गाइस आप नीचे यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा यूपी स्कॉलरशिप ऑनलाइन 2022-23, यहाँ पे क्लिक करना होगा आपको। जैसे गाइस आप क्लिक करते हो आपको सामने इस प्रकार से इंटर पेजेस आ जाएंगे, आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद गाइस यहाँ पे आप देख पाएंगे यहाँ पे आपको सारा लिंक दिया गया है, चाहे आपको रिन्यूअल करना है चाहे आपको फ्रेश करना है। तो एग्जांपल के लिए गाइस मैं सीधा यहाँ पे इनके सीधा साइट पे मैं चलता हूँ। यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे देखिए यूपी स्कॉलरशिप गवर्नमेंट, सॉरी यूपी स्कॉलरशिप upi9.in, इस पर मैं क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको सिंपल में क्लिक करना होगा यहाँ पे 3 डॉट पे। जैसे आप 3 डॉट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन आएंगे, स्टूडेंट इंस्टीट्यूट जो भी यहाँ पे बला है, तो आपको सिंपल में स्टूडेंट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको देखिए यहाँ फ्रेश है, उसके बाद यहाँ पे नीचे आप आएंगे तो रिन्यूअल है, आपको रिन्यूअल पर क्लिक करना होगा। सॉरी यहाँ पे तो आप जैसे रिन्यूअल पे क्लिक करते हैं गाइस यहाँ पे आपको दिख जाएगा पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट यहाँ पे है ना। तो सिंपल में गाइस आपको पोस्ट मैट्रिक जिस भी कैटेगरी के आप हैं आपको उसी पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपके सामने देखिए साइट ओपन हो चुकी है। आपका जो डिटेल है रिन्यूअल का यहाँ पे देखिए रिन्यूअल है ना, आप यहाँ पे जो भी आपको डिटेल यहाँ पे आप सबमिट करके अपने फॉर्म को आप भर सकते हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम होता नहीं फेस करना पड़ेगा। यहाँ पे डिटेल सबमिट करके आप सब अपने फॉर्म को भर सकते हो। अब बात रहेगा इस फ्रेश वालों की, तो फ्रेश वालों के लिए भी फॉर्म ओपन साइट ओपन नहीं हो रही है, तो ऐसे में आप सब अभी नहीं अप्लाई कर पाओगे। लेकिन जैसे ही आपका कोई साइट ओपन होती है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। कल के डेट में मोस्टली चांसेस है गाइस कि आपका जो लास्ट डेट वो एक्सटेंड हो जाएगा और आपका जो भी नोटिस है उसको जारी करके साइट ओपन कर दिया जाएगा। तो गाइस बाय बाय, टेक केयर, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई क्वेश्चन हो कमेंट कर देना, चैनल पर नए हो तो गाइस प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। बाय बाय, टेक केयर, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।